हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं करने सेकंड पार्ट, लग रहा है जो वीडियो हमने कल की थी। तो टाइटल है संबित पात्रा ब्रूटल ट्रोल, और ये है शोएब जमाई मोस्ट फनी। हमें हो सकता है मैंने गलत नाम बोलती हूँ, मेरे को नहीं पता। इनका हमने पहले भी किया, हाँ इनको पहले हमने एक वीडियो किया हुआ, उनकी मैं भूल गई वो शक्ल कौन से वाले थे, तो इससे पता चलेगा। मोस्ट फनी वीडियो थग लाइफ सैवेज मोमेंट्स। पर जो कल वाला वीडियो देखा था ना, वो बहुत ही, मेरे को तो बड़ा मजा आया था देखने में। अब देखते हैं इसमें क्या कमाल होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए। कल भी सुना था, आज भी सुनिए। धमाका है ये। मैं सब समझ रहा हूँ, कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मैं सब समझ रहा हूँ। जी जी, इसने मुझे बोलने दिया जाए। जब इन्होंने कहा भगवान राम तलवार नहीं रखते, हनुमान जी गदा रखते हैं, फिर ये तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया गया, तो ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे थे, ये किसके लिए कह रहे थे? ये आप भी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करने लगे, ठीक है, सिर्फ सब अपनी बात को आप कंप्लीट करें। मुकेश जी, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। अमित भाई सोचिए, संबित जी का जिंदा पूरा हो गया। ये गोडसे वाला पिस्टल देखो, ये क्या आप कर रहे हैं? देखिए, इट इज नॉट फेयर। तो हम रहेंगे यहां, बिल्कुल देश रहेगा। पहले आप जगह तो कंप्लीट होने दीजिए। अगर मंच पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, सड़कों पे हमारे साथ क्या होता होगा? जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे, आप सोच के देखिए। आपको नहीं कह रहे मुकेश जी, आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे वो, आप शांत रहिए। सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नहीं, ये गलत बोला भाई, ये दम नहीं है कि तुम मुझे सड़क पे कूट सको। गलत बोला आपने, देखो मुझे कोर्ट के दिखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल दिखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आतंकवादी कहीं के। गलत बयान करा कि इनको सड़क पे कूटा जाएगा और इन्हें पिस्टल रखी हुई है। बर्बाद किया है, अलग विषय है। आपने कहा मैं सड़क पे कूटूंगा, अपोज करिए, सड़क पे मारेंगे, पेट में ऐसा नहीं हो। ये अभी बोल रहे हैं कि हम पीटेंगे सड़क पे, आप ऐसे लोगों को डिबेट से बाहर निकालिए, आतंकवादियों को बाहर निकालिए। आपने क्यों बोला? आप अपने अमुजी 4 फीट से नहीं होता है, 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भैया ये तो बड़ी भयंकर डिबेट थी, ये कैसी डिबेट थी, मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सुनी। मैं तो पहली बार ये सुन रही हूँ कि इस टाइप की, इतनी एक्सट्रीम तक चले जाते हैं ये। बस अभी इतना नहीं हुआ कि हाथापाई चालू हो गई। हाँ वैसे, पर जिस तरह से वो उन्होंने बोला गन है, मेरे को लगा शायद वो लेके आए हुए हैं। हम लोग इतने सीधे लोग हैं, मैं मान भी लिया। तो वो जब वो वहां पे जाके बोलते हैं कहाँ है उनके गन, आप ऐसी क्यों बोली जा रहे हो, तो मतलब कुछ भी बोली जा रहे हैं। वो बेचारी पब्लिक जो बैठी हुई सुन रही है, उनको लग रहा होगा शायद वाकई कोई गन गुन ले आए हैं। किसी को बदनाम करना हो तो कुछ भी बोलते जाओ। वो जैसे बोल रहे थे, पर ठीक बोला उन्होंने कि ये जैसे धमकी दे रहे हैं कि तुम सड़क पे आओगे तुम्हें कूटेंगे या कुछ, वो कह रहे हैं इस टाइप की अगर जो बातें कर रहे हैं उनको तो इस डिबेट में, प्लेटफॉर्म में होना ही नहीं, जिनको बाहर निकालो, क्योंकि बहुत ही डिबेट ऐसी नहीं होती। धमकी दे रहे हैं, हाँ आप धमकी दे रहे हो, और इस टाइप की ये डिबेट नहीं होती।
पर वो वाले जो दूसरे थे वहां पे वो बड़े मजेदार थे, उन्होंने क्या बोला कि ईद क्या है इनकी, आपके क्या चार फुट है, ये क्या तुम्हें फूटेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो उससे भी कमाल का, वो सुन के तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते इस तरह बोलने का, ये तो बोल देते कमाल है वैसे। पर ये जो थे क्या नाम है इनका, शोएब, ये कुछ भी बोलते जाते हैं क्या, मैं तो हैरान हो गई थी इनको सुनकर। पता नहीं इनको बुला क्यों रहे हैं, अगर कोई ऐसे तरीके का बोल रहा है ऐसे उसको नहीं होना चाहिए कि आप मतलब क्वालिफाइड नहीं है ऐसे फोरम्स में जाके बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि एक लेवल होना चाहिए। ठीक है हर एक इंसान को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, हर इंसान थोड़ा प्रभावुक होके बोल रहा है, मगर फिर भी आप इस तरीके के कॉमेंट्स नहीं बोल सकते और उसकी वजह से पूरा खराब हो रहा है। और जैसे बीच में ये बोल रहे हैं आपके पास पिस्टल है, कहां से नथुराम गोडसे की पिस्टल है, क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आई थी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इतना इलॉजिकल। तो वही है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है डिबेट करने में तो मत आओ डिबेट करने के लिए, अपने घर बैठो, वहीं पर ही डिबेट हो सकती है। जो इंसान ब्रेन से सोच के डिबेट कर रहा है ये कोई फिजिकल मारने वाली डिबेट तो नहीं है, डिबेट है, आपको अपने विचारों से अगले बंदे को डिफीट करना है, अपनी बातों से अगले बंदे को हराना है, वार्तालाप है ये, ऐसा नहीं है कि आप मतलब इस तरीके का धमकियां देने लग जाए लोगों को। तो ये मेरे ख्याल से आप दूसरे बंदे को बोलने भी नहीं देते हो, जब वो बोलने लगते तो आप साथ में बोलते रहते हो। मॉडरेटर है, मॉडरेटर ने वहां जाके बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, मगर मॉडरेटर को भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर रखना चाहिए कि अगर आप ये क्रॉस करें उसी वक्त ही आपको बाहर जाने को निकाल दिया जाएगा, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सो बोलो प्लीज इनको ले जाइए क्योंकि उन्होंने कुछ, मगर वो भी वहां पे आके बस बातचीत कर रहे थे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ पर आपने गलत जो बोला, कुछ ऐसे बोल रहे थे कि गलत बोला, मतलब मॉडरेटर नहीं, मॉडरेटर को अपना शो चलाना है तो मॉडरेटर को अपना शो चलाना है तो मॉडरेटर जाके माफी मांगता है, मगर मॉडरेटर उनको बोलना भी नहीं चाहता। नहीं पर संदीप जी ने एक वीडियो में, पता नहीं इस वीडियो में बोला कि नहीं, जो मेकअप पर लास्ट वाली में उन्होंने कहा था आप ऐसे लोगों को बुलाते ही क्यों हो जिनको डिबेट करने का मतलब ही नहीं पता, मैं तो इनके साथ मतलब ऐसी बस ये बीच, जब मैं बोलूंगा तो ये बीच में बोलेंगे या इतना इनअप्रोप्रिएट और गलत बोलेंगे, गलत भाषा यूज करेंगे, डिबेट तो इन्हें करनी आती नहीं है, आ जाते डिबेट करने पिछले वाले वीडियो कल वाले में जो हमने किया था। चलिए मतलब इसमें एटलीस्ट इतना नहीं हुआ कि जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई थी स्टेज में लाके लड़ाई झगड़ा हो गया फिजिकल, तो ये अच्छी बात है कि फिजिकल कोई ऐसी बात नहीं, वो तो होनी भी नहीं चाहिए, बातों तक ही सीमित रहे हैं, लोगों को गुस्सा आया है आपस में तू तू मैं हुई है, मगर इन लोगों को सोचना चाहिए कि आप एक टेलीविजन में ये आ रहा है जहां पर भी टेलीकास्ट हो रहा है, मुझे पता नहीं लाइव है कि नहीं है, उसमें कुछ तो स्टैंडर्ड रखना चाहिए, कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप जब कैमरे से बाहर आ जाए तो अपना सॉर्ट आउट कर लीजिए, मगर ऐसे ठीक नहीं लगता क्योंकि फिर आप कल्चर में एक ऐसा एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, लोग ये देखेंगे उनको लगेगा अच्छा ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ऐसे कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मतलब मॉडरेटर बेचारे तो बोल रहे थे, मगर मॉडरेटर को अगली बार से कुछ ऑप्शन रखने पड़ेंगे, देखो जहाँ तुमने पहली गलती की तुम्हें मैं बाहर भेज दूंगा, आप एक दूसरे की इंसल्ट नहीं कर सकते, आपको एक गलत लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, ऐसे कुछ रूल्स बने होने चाहिए, अगर उनमें से कोई आपने तोड़ा तो आपको उस टाइम डिबेट से निकाल दिया जाएगा, कोई आएगा और आपको मॉडरेटर को थोड़ा देखना चाहिए, मॉडरेटर को कि ठीक है थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत होती है मगर एक लाइन के अगर आगे चले जाए, जैसे आपने भाई आप गन लेके आयो वहीं पे वो बहुत टू मच हो गया था, यहाँ आपको पिटाई हो रही है, अभी आप रॉन्ग एलिगेशन है आपके, आप प्लीज जाइए उसी वक्त वहां से, वो ज्यादा बढ़ता बढ़ता गया, उन्होंने बोला फिर उन्होंने बोला फिर ये हुआ फिर वो हुआ, वो राइट। और नॉर्मली जो होता है आने से पहले सभी लोगों से एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि अगर आपने, पता नहीं होता नहीं होता बट जहां तक मुझे पता है हमें कभी भी किसी इस तरीके के फोरम आने से पहले बहुत बड़ा एक टर्म्स एंड रेगुलेशन होता है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है यूएस में, तो उस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए फिर साइन होते हैं, उसमें उनमें इतनी पावर होती है कि अगर आप कुछ गलत बोलते हैं आपको बोल सकते हैं उसी वक्त जाने के लिए, वो उसी में है पूरे एग्रीमेंट में। चलिए ठीक है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ी शांति दिखाई मॉडरेटर ने कहा, बट आई होप कि उसके बाद ये रिपीट ना हो और सब ठीक आगे डिबेट ठीक चली हो, मैं तो ये कहूंगी। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।